कोई भी हम बड़ा काम करते हैं, कोई भी नई संभावना तैयार करते हैं, कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं, कुछ हमारे सामने ऐसा कोई काम रहता है कि जो हमने करना चाहिए, ऐसा लगता है बहुत स्फूर्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, बात दिल को छू जाती है, बहुत एनर्जी मिलती है, हम वो प्लानिंग करते काम करना शुरू कर देते हैं। ताव-ताव में, चाव-चाव में कभी कभी हो जाता है, और फिर वो चालू करने के बाद में एकाएक सडनली ब्रेकडाउन हो सकता है। ब्रेकडाउन मतलब हम वो कर नहीं पाते, या वो करने में बीच में कुछ तो भी बाधाएं आती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमने तय किया था, जो हमने प्लान किया था, जो हमने इंटेंशन हमारा तैयार किया था, जो हमको करना था, वो करने के लिए मेरी योग्यता चाहिए इतनी और मैं हूँ इतना, मतलब इतनी गैप है। दिमाग में तो बहुत स्फूर्ति है, बहुत एनर्जी है, बहुत इच्छाएं हैं, चालू तो किया मगर मैंने मेरी एबिलिटी उतनी नहीं की कि जो एबिलिटी के साथ में मैं यहाँ तक जाऊँगा। तो नेचुरली क्या होगा कि मेरी अभी की जो रिसोर्सेस है, अभी जो ताकत है, अभी जो एनर्जी है, अभी जो एबिलिटी है, अभी जो भी मेरे साथ में, मेरे पास में साधन है, उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये करने में टाइम लगेगा। और ये जो गैप है, ये गैप प्रोड्यूस करता है ब्रेकडाउन। और जब ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो एकदम आप डाउन हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो बाप रे, ये क्या हो गया, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मैंने फजूल हाथ में लिया, ये मैंने करना ही नहीं चाहिए था, मैंने फालतू क्यों बड़े प्लान किए, देखो ऐसा हो गया, ऐसा बहुत सारा कॉन्वर्जेशन आ सकता है। हमने करना क्या है? हमने जब जो ऐसा ब्रेकडाउन होता है, कुछ भी बाधाएं आती है, कुछ भी करने में असफल हो जाते हैं, इमोशनली ब्रेकअप हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, जो भी कुछ होता है, अपने दिमाग में उसको रखना नहीं है। क्या करना है कि जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जितने भी लोग संबंधित हैं, उनको सबको ब्रेकडाउन डिक्लेयर करने का है। तो हम पहला बोलते हैं डिक्लेयर द ब्रेकडाउन, जो भी ब्रेकडाउन हो गया डिक्लेयर करोगे, ऐसा ऐसा हुआ है, ये मैं करना चाहता था, इसमें ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, पहली स्टेप। फिर दूसरी स्टेप बोलना है कि भाई मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा पर्पस क्या था, मुझे क्या हासिल करना था, उसको प्रेजेंट हो जाओ कि मुझे तो ये करना चाहिए था, मुझे तो ये करने की इच्छा है, ये रिजल्ट मुझे अपेक्षित थे, उसको प्रेजेंट हो जाना, वो लिखो कि मेरा इंटेंशन ऐसा ऐसा है। तीसरा, फिर अभी मैं नए सिरे से कौन सी एक्शन ले सकता हूँ, क्या क्या कृतियां मैं कर सकता हूँ, क्या क्या स्टेप्स मैं उठा सकता हूँ, फिर इसे नया लिखो, भाई 1 2 3 4 5 ये कर सकता हूँ, रादर देन इमोशनली डाउन हो जाना, डिप्रेस हो जाना, नर्वस हो जाना, हाथ लगा के बैठ जाना कि अभी संभव नहीं है, उसके बदले उसको प्रेजेंट हो जाओ, और बाद में फिर कौन सी एक्शन ले सकता हूँ, वो एक्शंस लिखो, कृतियां लिखो, और फिर एक 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 एक्शन लेना चालू करो। कुछ भी, अभी समझो फिर से ऐसा हो गया कि आपका पत्नी का नहीं पट रहा है, आपने ये संभावना निर्माण की कि नहीं, मुझे पत्नी के साथ में अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने, फॉर एग्जाम्पल वो आपने तय किया, वो संभावना निर्माण किया कि नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेंडशिप विद वाइफ, पट नहीं रहा है, अभी मुझे फिर से एक नया रिश्ता तैयार करना है पत्नी के साथ में, आप मन में ठहराते हो ऐसा कुछ करना है, आप घर पे जाते हो, वो कुछ तो भी उल्टा पुल्टा बोल देती है, फिर से कुछ तो भी करके झगड़ा कर देंगी और आप डाउन हो जाएंगे, देखो मैंने तो ऐसा किया था, मेरा तो प्लान ऐसा था, मुझे तो ऐसा करना चाहिए था, मैंने तो अच्छे रिश्ते के लिए तैयारी की थी, अब देखो कैसी उल्टी बोल रही हो, देखो कैसे ताने मार रही है, वो डाउन हो जाएगा। उससे मतलब ठीक है, मेरा इंटेंशन था फ्रेंडशिप विद माई वाइफ, नया रिश्ता बनाने का, चलो हरकत ने जो हुआ वो हुआ, फिर से तैयार करो उसको कि मुझे मेरे पत्नी के साथ में नया अच्छा पावरफुल रिश्ता बनाने का है, उसमें ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है अभी मैं कौन सी एक्शन कर सकता हूँ, क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्शन लिखो और एक्शन लेना चालू करो। डाउन हो गए, नर्वस हो गए, डिप्रेस हो गए, अपसेट हो गए, तो आपका इंटेंशन पूरा होगा नहीं। सो ब्रेकडाउन जो है वो ब्रेकडाउन आने वाली है, ब्रेकडाउन जब भी आते हैं तो उससे डिप्रेस न होते हुए, अपसेट न होते हुए, शांति से बैठना है, डिक्लेयर करना है, प्रेजेंट हो जाना है, एक्शंस की लिस्ट तैयार करना है, एक्शन लेना चालू करना है। ये करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक असामान्य सफलता मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।